आज शहर के कांग्रेस भवन में मोहम्मद माजिद खान पीसीसी सेक्रेटरी ने एक प्रेस मीट मुनक्किद की। इस प्रेस मीट में मोहम्मद अब्दुल एजाज कांग्रेस टाउन सदर के अलावा मोहम्मद ईसा, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अजीम अहमद, मोइन यूनुस के अलावा दिगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। मोहम्मद माजिद खान ने प्रेस मीट के जरिए रियासती हुकूमत पर तनकीदें करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी सिर्फ अवाम को धोखा देने में कामयाब हुई है। 2014 से पहले सुनहरा तेलंगाना के ख्वाब दिखाकर अवाम के जज्बात के साथ खेलकर अवाम की जेबों को खाली करती आ रही है। जिस तरह दो और दो पांच नहीं हो सकते, उसी तरह टीआरएस पार्टी के वादे भी कभी पूरे नहीं होने की बात कही। टीआरएस हुकूमत सिर्फ अवाम को धोखा देने में कामयाब होने की बात कही। हर आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर सर्वे कराने की बात कही। घरों का सर्वे, जमीनों का सर्वे, NRC जैसे नुकसानदार दौर से अवाम को परेशान करती आ रही है। नाजरीन, अभी कोरोना की कहर से शहर की अवाम संभल भी ना पाई कि LRS और BRS की स्कीम का आगाज कर दिया। अभी अवाम NRC के सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी कि धरनी सर्वे का आगाज किया गया। नाजरीन, यहाँ एक बात वादे कर दे कि 2014 में एक सर्वे किया गया था, तब भी हर चीज़ का सर्वे किया गया, इंसानों से लेकर जानवरों तक, तो फिर अब ये नए नए कानून क्यों? माजिद खान ने मजीद तंज करते हुए कहा कि TRS हुकूमत में औकाफ की जायदाद महफूज नहीं है, क्योंकि हैदराबाद में औकाफ बोर्ड में चोरी का केस अभी तक हल नहीं होने की बात कही। और मजीद कहा कि शहर निजामाबाद में कलेक्ट्रेट में मौजूद मस्जिद को वक्फ बोर्ड के हवाले करने का मुतालबा किया। इन्होंने बताया कि वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 65 के तहत अगर कलेक्ट्रेट की इमारत की मुंतकिल की जाती है तो कलेक्ट्रेट मस्जिद के ज़िला कलेक्टर मुतवल्ली होंगे और ज़िला कलेक्टर को चाहिए इमारत की मुंतकली से पहले ही मस्जिद को वक्फ बोर्ड के हवाले करने की बात कही और वक्फ बोर्ड के हवाले करने का मुतालबा किया। सुनहरा तेलंगाना के नाम पर TRS गवर्नमेंट डिजिटल लूट मार कर रही है। सर्वे सर्वे सर्वे, आप देखिए गुरिश्ता कुछ कम 7 साल से ज्यादा अर्सा हो चुका है TRS गवर्नमेंट को। हर टाइम सर्वे का नाम, कभी मकानात का सर्वे, कभी जमीनात का सर्वे, कभी आपके घर में कितने लोग रहते सर्वे। अब हाल ही में 3 दिन से 4 दिन से हैदराबाद में लगातार बारिश हो रही है, जानी माल यानी नुकसान, माली नुकसान हो रहा है, लेकिन वहां पर भी सर्वे किया जा रहा है। जबकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, ऐसे मौके पर गवर्नमेंट जो जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, उसकी हिफाजत करना छोड़ के वहां पर भी जाकर सर्वे कर रहे हैं। सर्वे सर्वे TRS गवर्नमेंट सर्वे के नाम से जाने जा रही है, सिर्फ और सर्वे। तो मैं आपको बताता चलूं, हाल ही में वक्फ बोर्ड का सर्वे, जबकि वक्फ जायदाद 77,000 एकड़ से ज्यादा है तेलंगाना स्टेट में, उसका सर्वे करा लिया गया। फिर वो सर्वे खत्म हुआ नहीं, फिर एक वक्फ बोर्ड में चोरी का डर मचाया गया, जिसमें औकाफ की जायदादें जो प्राइम प्रॉपर्टीज, उसका रिकॉर्ड बिल्कुल गायब कर दिया गया, दस्तावेजात गायब कर दिए गए, ताकि हमारी जमीनात के दस्तावेजात अगर ना हो तो दोबारा वो जमीन क्लेम नहीं कर सकते हम। उसके बाद आप देखिए LRS के नाम पे सर्वे, बल्कि LRS के लिए आप क्या कर रहे हैं, लैंड स्किप। LRS कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी LRS था, लेकिन जब अपनी मर्जी के माफिक अगर कोई चाहते तो LRS करा ले सकते। यहाँ पर हमारा फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिया जा रहा है। आप देखिए गुज़िश्ता 2-3 माह से रजिस्ट्रेशन ऑफिस को बंद कर दिया गया, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद कर दिया गया। मैं ये गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ और रेवेन्यू मिनिस्टर से ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर इस वबा के दौर में गुज़िश्ता 1 साल से कोरोना वायरस की वबा चल रही है, वो वबा के टाइम पर कोई मुश्किलात में अगर एक प्रॉपर्टी खरीदता है तो
तो उसको कुछ अमाउंट बाकी रहता है या कुछ अमाउंट दे देता है। अगर इस लंबे अरसे में अभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद कर दिए गए, अगर रजिस्ट्रेशन करवाने के वक्त में रिमेनिंग बैलेंस देता हूँ बोल के अगर वो शख्स कहता है, उस बीच में दोनों में अगर अल्लाह ना करे किसी ना किसी की मौत हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत जिम्मेदारी लेंगे? तो जो हमारे राइट्स थे और राइट्स को खत्म करते हुए, जबकि चीफ मिनिस्टर को यह वबा में गुज़िश्ता एक साल से आवाम परेशान है, वो वबा को नज़र में रखते हुए लोगों को जहाँ पर ORS की ज़रूरत थी, ताकत की, वो जगह लेकर आकर LRS दे दिया गया। ये इस तरीके से आवाम को कमज़ोर और बुज़दिल कर दी जा रही है और जेबों में हाथ डालकर पैसा निकाल लिया जा रहा है। आपको याद दिलाता चलूँ, वायरस के टाइम पर, कोरोना वायरस में, वबा में जब बंद कर दिया गया, जब लोग डर रहे थे, मौत से, जानों से खेल रहे थे, उस टाइम पर गवर्नमेंट किसी को 1000 रुपये देते हुए, किसी को 1500 रुपये देते हुए, हम आपके अकाउंट में डाल रहे हैं बोल के आपके लाइट बिलों से तो 2000 रुपये निकाल लिए गए। आप लोगों को पता नहीं चला ऐसा दिया जा रहा है और ऐसा दिया जा रहा है, पीछे से 2000 रुपये ले लिए आपके लाइट बिलों में एक्सेस अमाउंट डाल के। अगर इसी तरीके से आवाम परेशान होते रहेंगे, आप देखिए 2000 रुपये वहाँ पर दे दिए, अब LRS के नाम पर आपसे 1000 रुपये ऑनलाइन करने के लिए जा रहे हैं। ये 1000 रुपये किसको जा रहे हैं? गवर्नमेंट। और आवाम आपके डर से नहीं कर रही, प्लाट चले जाता बोल के डर रही, रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद कर दिए, LRS करे, शादी मुबारक को 1,01,051 रुपये घुस देते बोल के आप लाखों में दे रहे, करोड़ों में इस्तेमाल कर ले रहे। यहाँ पर आवाम को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते हुए, वहाँ पर आपको मसरूफ रखते हुए डेवलपमेंट की बात नहीं करी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके जेब में कितने पैसे है, आपके घर में कितने पैसे, कितने लोग रहते हैं, आपका मकान सलाब का है, आपका टीन शेड का है। गुज़िश्ता 7 सालों से सिर्फ यही मालूम करते जा रहा है, TRS गवर्नमेंट में यही मालूम होते जा रहा है कि सर्वे हर तरीके का सर्वे कर रहे हैं। तो मैं आवाम से ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो सर्वे करके आपको मसरूफ कर दे रहे और आप लोगों को गुमराह कर दे रहे, आपको एक जगह आपको ये बताया जा रहा है कि हम कुछ स्कीम कहाँ पर है भाई, कोई स्कीम नहीं मिल रही, कोई इस्तेमाल हासिल नहीं हो रहा। आप ज़रूरत थी जैसे ये मौकम पर अभी देखो हैदराबाद के हालात, जो बारिश की वजह से परेशान आ रहे लोग वहाँ पर, हैदराबाद ग्रेटर में ना तो कोई चीज़ों की सहूलत है, ना तो बोर्ड से, ना तो लोगों को बचाया जा रहा है। लोग वीडियो ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि लोग वो कश्ती में बैठ रहे हैं, वो कश्ती पलट जाए। ये गवर्नमेंट है, हम कहाँ पर है? आप सुनहरी तेलंगाना, सुनहरा तेलंगाना, बंगारू बम्मा, हर चीज़ कहाँ गई आपकी? सिर्फ आप बोलने की बातें करते हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे उस पर। और आप देखिए जिस तरीके से पब्लिक जान से गई, माल से चले जा रही है, अब ऐसा टाइम था, आप हर तरीके से नए नए टेक्नोलॉजी है, आप ज़रूरी है। और ये जो हालात हैदराबाद के और 2-3 दिन ऐसी चीज थे, तो और एक बात मैं आपको ये बता रहा हूँ मीडिया के जरिए से, निज़ामाबाद में कलेक्टर ऑफिस, जो कलेक्टर कंपाउंड, उसमें एक मस्जिद थी, वो गजेट में औकाफ में दर्ज है और उसकी टोटल एक्सटेंड है उसका 230 स्क्वायर यार्ड्स। ये 230 स्क्वायर यार्ड का मुतवली कौन है? इसके मुतवली है कलेक्टर साहब मुतवली रहते, जहाँ पर वफ के जो गजेट होता है उसमें नेम ऑफ मुतवली बोल के जहाँ पर लिख के आता है, तो वहाँ पर कलेक्टर है। और कुछ मकाम पे दरगाह होने दो, आशुखाना हो दो, मस्जिद होने दो, या और वफ प्रॉपर्टी होने दो, किसी के नाम रहते हो, तो ये कलेक्टर ऑफिस के अंदर रहने की वजह से वहाँ पर मुतवली कलेक्टर को बनाया गया। ये गजेट रिकॉर्ड 1972 का है, जिसमें 230 स्क्वायर यार्ड की जमीन आपकी बताई जा रही है, उसमें मुतवली कलेक्टर है। तो वफ एक्ट 1995 अंडर सेक्शन 65 के तहत ये बताया जा रहा है, अगर मुतवली वहाँ से हट जा रहे तो वफ की जमीन, वफ की मस्जिद जो भी है, इंस्पेक्टर को बुलाकर वो हैंडओवर कर देना चाहिए।
एज पर वक्फ एक्ट। अभी हमारे पास निजामाबाद में कलेक्टर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, वो बिल्डिंग कुछ माह में या कुछ महीनों में शिफ्ट हो जाएंगी, तो हम कलेक्टर साहब से और यहाँ के जिम्मेदारों से ये डिमांड कर रहे हैं और गवर्नमेंट से भी हम डिमांड कर रहे हैं कि ये जो आप मुतवली की हैसियत से गजेट में पब्लिश्ड है, आप मुतवली है तो वक्फ एक्ट 1995 तहत अंडर 65 के तहत इंस्पेक्टर को बुलाकर वो ज़मीन वापस दे दी जाए, और हम अगर ये वापस नहीं देंगे आप तो हम कानूनी वक्फ एक्ट के तहत हम वो बिल्कुल हासिल करके रहेंगे, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस शिफ्ट होने को है और नई बिल्डिंग में कलेक्टर ऑफिस चले जाएगा तो पुरानी बिल्डिंग खाली हो जाएगी, तो खाली हो गई तो जिसकी अमानत है, जिसकी आपको जिम्मेदारी दी गई थी, वो जिम्मेदारी वो कोर्ट को हैंड ओवर कर देना चाहिए आप। ये हमारा डिमांड है। अगर आप ऐसा ना होता है या ऐसा नहीं करते हैं तो निजामाबाद के आलमुद्दीन मुफ्ती वगैरह के साथ में हम लोग हमारे माइनॉरिटीज के जितने भी लीडर्स हैं हम सब मिलकर उनसे बात करते हुए इसको बिल्कुल वापस दिलवा देंगे वर्कआउट को इंशाल्लाह। स्टाइल इन सैलून एंड स्पा बहुदन शहर में नौजवानों की पसंद। स्टाइल इन सैलून एंड स्पा माहिर तजुर्बेकार हेयर ड्रेसर की निगरानी में अपने बालों को एक नई पहचान दीजिए। स्टाइल इन एसी से आरास्ता कुशादा हाल, मुख्तलिफ अकसाम के आला ब्रांडेड फेस क्रीम शेव जेल के अलावा और भी बहुत कुछ जो आपकी पहचान बदलने में कारामद साबित होंगे, तो आज ही तशरीफ लाइए स्टाइल इन सैलून एंड स्पा। हमारा पता बी साइड आंध्रा बैंक शकरनगर एक्सट्रोर बहुदर। फोन नंबर 8247034743। प्रॉपरेटर वसीम जिलानी। नोट स्पेशल माहिर खवातीन की निगरानी में दुल्हनों के लिए मेहंदी डिजाइन और मेकअप की सहूलत भी दस्तियाब है।